जिंदल स्टील पुलवामा में 150 करोड़ का स्टील प्लांट बना रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहला ऐसा निवेश है। करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिंदल स्टील को 70 कनाल जमीन दी थी। समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने लस्सीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर प्रशासन कहता रहा कि करीब 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की बात हुई है, लेकिन जमीन पर असली निवेश नहीं आ रहा था। बीजेपी कहती है कि अब देख सकते हैं कि असली विकास हो रहा है। अब विकास जमीन पर दिखाई दे रहा है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, जो भी नेता कहते थे कि कोई विकास नजर नहीं आ रहा, अब उनको लस्सीपोरा की तरफ देखना चाहिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिसंबर में सरकार ने संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से 1,000 करोड़ का निवेश आ चुका है, और 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से निवेश में 50% से ज्यादा कमी आई है। जम्मू कश्मीर में निवेश 2017 से 2018 तक करीब 840 करोड़ का निवेश हुआ, 2018 से 19 तक करीब 590 करोड़ का निवेश हुआ, 2019 से 20 में करीब 296 करोड़ का निवेश हुआ, 2020 से 2021 तक करीब 412 करोड़ का निवेश हुआ, और 2021 से 2022 तक 376 करोड़ का निवेश हुआ। पीडीपी कहती है कि निवेश नहीं आ रहा, बस फोटो शूट हो रहा है। जब हम सत्ता में थे तब 840 करोड़ का निवेश आया था, 2021-2022 में सिर्फ 376 करोड़ का निवेश आया। केंद्र सरकार के समय में काफी कम निवेश आया, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। कश्मीर घाटी में पिछले 3 साल के दौरान ये पहली सरमायाकारी है जिससे जमीन पर उतारने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन का कहना है कि उनके पास 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, और यहाँ JSW स्टील्स 150 करोड़ की सरमायाकारी करके एक स्टील प्लांट बना रही है। लस्सीपोरा पुलवामा से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।